प्रकार कपाल भाती का ये एक प्रकार का वेरिएशन है नाड़ी शोधन। इसमें हम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इनहेल करते हैं, जैसे हम अभी लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। इसमें हम ये एक्स्ट्रा इसमें जो चेंजेस है वो इस तरह से है कि हमने पहले इनहेल किया, इसको हम बोलते हैं पूरक। पूरक प्राणायाम के बाद में हमने कुंभक किया। कुंभक में हम श्वास को रिटेन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। इसका रेशियो हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और फिर हम बहुत आराम से धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है कि पूरक करने के बाद या होल्ड करने के बाद श्वास को आराम से छोड़ना, इसको हम कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक और रेचक, या कह दें इनहेल रिटेन करके रखना और फिर एक्सहेल। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं इनमें किसी प्रकार के ब्लॉकेज हैं, किसी प्रकार की कंजेशन है, वो सारे ठीक हो जाते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ब्लड में टॉक्सिन्स हैं या वेसल्स में टॉक्सिन्स हैं या कोई ब्लॉकेज हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई सभी टिश्यूज़ में, सभी सेल्स में प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और यदि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई तो बॉडी में किसी प्रकार के सोर्स हैं, घाव हैं, उनको हील होने का चांस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब बात आती है पेप्टिक अल्सर की। अगला जो प्राणायाम है वो होगा चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में जैसे मैंने अभी बताया कि लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास छोड़ना है, तो उसको हम इस तरह से करेंगे। तो ये तीसरा प्राणायाम था चंद्रभेदी प्राणायाम। अब चौथा प्राणायाम हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में हम दांतों को बिल्कुल जमा करके लंबी गहरी श्वास लेंगे मुख से। और नाक से श्वास छोड़ेंगे। तो शीतल वायु हमारे अंदर जाती है और वो गर्म वायु बाहर आती है। इससे शरीर को शीतलता प्रदान होती है। जो हमारा GI ट्रैक है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है ऑलरेडी, घाव है वहाँ पे, उसको हील होने का एक मौका मिलता है। तो शीतकारी प्राणायाम के बाद में अगला प्राणायाम हम करेंगे उड्डयान बंध लगाना। बंधों का बहुत महत्व है। हठ योग में बंधों से इतने लाभ बताए हैं। जिन बंधों को करने से यदि हमारी स्किन, हमारी कंप्लीट स्किन डिजीज ठीक हो जाती है, तो स्किन की तरह ही जो हमारे अंदर का पार्ट है, जैसे हमारा पाइप, फूड पाइप है, फूड पाइप में भी एक प्रकार से और नाजुक सी स्किन, नाजुक सी मसल्स वहाँ पर रहती हैं, तो उसको भी हील करने के लिए उड्डयान बंध बहुत महत्वपूर्ण है। तो उड्डयान बंध हम कैसे करते हैं? ऊपर की ओर खींचना। तो ऊपर की ओर खींचते हुए जो नाभि का ऊपर का और नीचे का पार्ट है, इसको हम अंदर की ओर लेके जाते हैं और नाभि को थोड़ा ऊपर खींचते हुए, ऊर्ध्व की ओर खींचते हुए जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है, इसको हम पूर्ण रूप से पीछे की ओर लगाने का प्रयास करते हैं। जितना हो सकता है उसको हम वॉल को पूरा पीछे की ओर लेकर जाते हैं। उड्डयान बंध के बाद में हम कुछ आसन देखेंगे कि कौन कौन से आसन पेप्टिक अल्सर के लिए लाभकारी हैं। तो आसनों में सर्वप्रथम, जो ऐसे भी सभी जन सामान्य को पता होता है कि हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन से संबंधित बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है हमारी काफ मसल्स। काफ मसल्स अर्थात पिंडलियाँ। तो पिंडलियों को कंप्रेस करना, ये भी एक रेमेडी बताई जाती है हमारे किसी ही प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को लेकर के। तो अभी हम उसी क्रम में करने जा रहे हैं आसनों का अभ्यास, शुरू की हम कर रहे हैं। तो उसके लिए वज्रासन, कभी भी वज्रासन के लिए एक ऐसा आसन है जिसको हम भोजन के जस्ट बाद करते हैं और उससे हमें का लाभ प्राप्त होता है। तो वज्रासन सिंपली इस तरह से करते हैं। वज्रासन के पश्चात हम अगला अभ्यास करेंगे जो पेप्टिक अल्सर के लिए लाभकारी है, व्याघ्रासन। व्याघ्रासन के लिए हम सर्वप्रथम दोनों हाथों को इस तरह सामने प्लेस करेंगे और इस तरह आकृति बनाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, या इसको हम कहते हैं मार्जारी आसन। इस आसन में आने के बाद हम अपने एक
लेग को लिफ्ट करके नी को सामने इस तरह लेकर आएंगे और पीछे की ओर लेकर जाएंगे। दूसरे पैर से व्याघ्रासन हमने किया। ये व्याघ्रासन लाभकारी होता है पेप्टिक अल्सर के लिए। वज्रासन, व्याघ्रासन, अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में हम इसी प्रकार वज्रासन में बैठे हुए खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथों को फोल्ड करके पीछे की ओर जितना हो सकता है श्वास लेते हुए पीछे की ओर बैंड करते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए पहले दंडासन की स्थिति में आते हैं। दंडासन में आने के बाद एक पांव को फोल्ड करेंगे, तो ये था वक्रासन। वक्रासन के बाद अगला अभ्यास जो हमारा रहेगा पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को लिफ्ट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे जितना हो सकता है। इसमें घुटने सीधे रहेंगे, कमर सीधी रहेगी और जितना हो सकता है उतने पे होल्ड करने का प्रयास करेंगे। वापस